यीशु मसीह के नाम से आप सभी को शुभकामनाएं। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज हम बात करेंगे ऑस्वाल्ड जे चेम्बर्स के बारे में। इनका जन्म 24 जुलाई 1874 में हुआ था। ये इनका मृत्यु 15 नवंबर 1917 में हुआ। ये एबरडीन शहर के थे। इनका देश स्कॉटलैंड था। इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार विश्वव्याप्त किया। ऑस्वाल्ड चेम्बर्स का जन्म स्कॉटलैंड में सन 1874 में हुआ था और वे एक बैप्टिस्ट पादरी के सबसे छोटे बेटे थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने चार्ल्स स्पर्जन के उपदेशों के द्वारा उदार प्राप्त किया और सार्वजनिक रूप से यीशु पर अपना विश्वास जताया। चेम्बर्स एक प्रतिभाशाली कलाकार और एक संगीतकार थे और लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट में कला का अध्ययन किया था, जहां वे कलात्मक रीति से परमेश्वर के छुटकारे के संदेश को चित्रित करना चाहते थे। जब वे एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे तो परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार खुद को उसकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध किया। सेवा के लिए खुद को तैयार करने के लिए वे जुनून बाइबल कॉलेज में भर्ती हुए। फिर उन्होंने सन 1906 और 1910 के बीच अमेरिका, इंग्लैंड और जापान की यात्रा की और हर जगह बाइबल की सच्चाई को स्पष्ट रूप में समझाते गए। चेम्बर्स ने सन 1910 में गेटूड हब से शादी की, जिन्होंने उनके सभी व्याख्यानों और उपदेशों का अभिलिखित किया और फिर चेम्बर्स की मृत्यु के बाद प्रकाशित किया। उनकी पुस्तक उसकी सर्वसत्ता के लिए मेरा सर्वस्व, माय अचमोस्ट फॉर हिज हाईएस्ट, अब तक छपी सबसे लोकप्रिय भक्ति मार्गदर्शिकाओं में से एक है। सन 1911 में उन्होंने लंदन में एक बाइबल प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की और छात्रों को उनकी स्थिति, उम्र या शिक्षा के किसी भी भेदभाव के बिना स्वीकार किया। बाद में YMCA के पादरी के रूप में वे इजिप्ट गए और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों के बीच सेवा की। सन 1917 में जब वे 43 वर्ष के थे, तब उन्हें एक बीमारी के कारण अत्यधिक पीड़ा हुई और अंत में अपने प्रभु के साथ रहने चले गए। उनके नाम पर 30 से अधिक पुस्तकें हैं, लेकिन उन्होंने केवल एक पुस्तक लिखी, बफल्ड टू फाइट बेटर। हालांकि ऑस्वाल्ड चेम्बर्स अपने जीवन काल में बहुत प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन उनकी बाद की पीढ़ियों ने उन्हें एक दुर्लभ अंतर्दृष्टि और अभिव्यक्ति के शिक्षक के रूप में बहुत सराहा है। प्रिय, क्या आप एक दूसरे के बीच प्रेम, एकता और सहयोग लाने वाली सेवा का समर्थन करेंगे? प्रभु अपने आसपास के लोगों के साथ शांति से रहने के लिए मुझे हर दिन सिखाए। आमीन।